हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया जी 11 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है 24 आवर फॉर्मेट सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये 24 आवर फॉर्मेट सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब आपको सिस्टम के इस पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम का, डेट एंड टाइम पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब आपको डेट एंड टाइम के इस पेज में ना सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा 24 आवर फॉर्मेट, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इसे सेलेक्ट करके इसे डिसेबल करना है, यानी कि ऑफ करना है। इसे ऑफ करने से पहले मैं आपको यहां पे कुछ बातें बता देता हूं। ये देखिए मेरे मोबाइल फोन की घड़ी में टाइम हो रहा है अभी 14:28, ये मेरा है ना वैसे एक्चुअल में दोपहर में 2:28 हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल फोन की घड़ी में अगर इस तरीके का अगर टाइम फॉर्मेट दिखाई देता है ना, तो आप ये जो है ना 24 आवर फॉर्मेट सेटिंग में आने के बाद आप इस सेटिंग में इस सामने वाले बटन को ऑफ कीजिए, तो देखिए मेरे मोबाइल फोन की घड़ी में टाइम हो रहा है 2:28, ठीक है। ये क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन की घड़ी में जो है ना दोपहर में 12 बजे के बाद से आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके टाइम आपको दिखाई देता था, लेकिन अब आपने इस सेटिंग को ऑफ कर दिया ना, तो अब आपको जो है ना दोपहर के 12 बजे के बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके टाइम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग ऐसे काम करती है। अब मैं आपको ये 24 आवर फॉर्मेट सेटिंग को जो है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है 24 आवर फॉर्मेट, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है आप टाइप कीजिए तो आपको नीचे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि शो हो जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।